बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, कोविड-19 महामारी के कारण राजस्व प्राप्ति में भारी कमी चुकी हुई है। राज्य सरकार ने मितव्ययता के परिपत्र जारी कर अहम निर्णय इस संबंध में लिया है। कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, पुस्तकालय, कंप्यूटर अनुरक्षण, साथ ही में स्टेशनरी, मुद्रण व लेखन, प्रकाशन और पत्र पत्रिकाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष में 70% तक सीमित किया गया है। पीओएल मद में व्यय स्वीकृत के 90% तक इसे सीमित किया गया है। इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा कर सकेंगे अधिकारी। नए वाहन और अन्य उपकरणों की खरीद पर भी रोक लगाई गई है और ये सभी निर्णय लिए गए हैं क्योंकि कोरोना के काल में जो राजस्व की आय में जो कमी हुई है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूगा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, लगातार जो सरकार है वो निर्णय पर निर्णय ले रही है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, प्रदेश में भी इसका जो इफेक्ट है वो आया है। क्या पूरी जानकारी यहाँ पर, कई योजनाओं को, कई जो सरकारी योजनाएं हैं और जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें सीमित उन्हें किया गया है 70% तक? देखिए जैसी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से कोरोना और लॉकडाउन रहा उसमें सरकार को भारी राजस्व का घाटा हुआ है जी। जिस प्रकार से जो राजस्व प्राप्त होता था उसमें बहुत सारी कमी आई है। उस राजस्व की कमी को देखते हुए आज गहलोत सरकार ने कहीं बड़े निर्णय लिए हैं कि किस प्रकार से जो सरकारी खर्चा है उसको कम किया जाए। जब सरकारी कार्यक्रमों के खर्चों को कम किया जाएगा तो ही विकास हो पाएगा। अगर जिस प्रकार से राजस्व की कमी हुई है, क्योंकि सरकार के पास जो राजस्व होता है और उस राजस्व से विकास के काम होते हैं, ऐसी स्थिति में बड़ा घाटा लगातार पिछले 6 महीने से सरकार को हुआ है, राजस्व की कमी आई है। ऐसी स्थिति में जो सरकार के जो खर्चे हैं उनको सीमित किया जाए, उसी को लेकर आज सरकार ने ये मितव्ययताओं को लेकर परिपत्र जारी किए हैं। और निश्चित तौर पर काफी सारी चीजें हैं जिसमें बजट 2020-21 की जो विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कंप्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण, लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय, इन सब पर 70% तक को सीमित किया गया। साथ ही जो पीएल मद में जो स्वीकृत प्रावधान है उनके विरुद्ध व्यय को भी अब 90% सीमित किया गया है। और जो तमाम जो सरकारी कामों को लेकर जो यात्राएं की जाती थी अधिकारियों और दूसरे लोगों के लिए, उनमें अब वो इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा कर सकेंगे और एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंध की गई है। किसी भी प्रकार से पैसा बचाया जाए क्योंकि सरकार के पास राजस्व की कमी है। ऐसी स्थिति में जो पहले जो खर्चा होता था सरकार का उसको सीमित करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। साथ ही जो नए वाहन है और उपकरण है उनकी खरीद पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जो नए जो आज परिपत्र जारी किया गया है मितव्यय को लेकर, उनमें जो नए वाहनों की खरीद है उन पर रोक लगाई गई है। और साथ ही निश्चित तौर पर जो औजार है, मशीनरी है, दूसरे उपकरण है जो आवश्यक नहीं है उन पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है, ताकि जो खर्चा होता था उसको उस पर लगाम लगाई जाए, पैसे को बचाया जा सके, ताकि दूसरे जो विकास के काम हो सके। साथ ही जो नए कार्यालय की स्थापना है उस पर भी रोक लगाई गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 70% राज्य निधि से जो वित्त पोषित कोई भी नया कार्यालय खोलने की स्वीकृत अब जो है नहीं दी जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के कारण जो पद वर्तमान में अप्रासंगिक हो गए हैं उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजकीय भोज होते थे, जो बड़े सरकारी कार्यक्रम में जो भोज का जो कार्यक्रम होता था उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर पैसे का व्यय होता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने आज ये भी निर्णय लिया है कि राजकीय भोज और कोई ऐसा उपहार का क्रय सत्कार नहीं किया जाएगा आगामी आदेशों तक। ये जो निर्णय है ये रहेगा और ये प्रतिबंध लागू रहेगा राजकीय भोज वाला। साथ ही जो ऑनलाइन अब कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से बड़े स्तर पर तमाम विभागों की ओर से प्रदर्शन किए जाते थे, प्रदर्शनियां लगाई दी जाती थी, माफ कीजिए, और जो सेमिनार किए जाते थे उनको अब ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर पैसा खर्चा होता था प्रदर्शनियों सेमिनार पे, लेकिन जब ऑनलाइन किया जाएगा तो सरकार का इस पर भी पैसा बचेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजस्व की कमी के बाद सरकार ने आज परिपत्र जारी करके बड़े फैसले लिए हैं, ताकि जो सरकारी खर्चा होता था उस पैसे को बचाया जा सके। और कोरोना को, महामारी को देखते हुए, कोरोना के खिलाफ अभी लड़ाई लंबी चलनी है, ऐसी स्थिति में जो सरकार के पास जो पैसा है उसको बचाने की कोशिश को देखते हुए आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और निश्चित तौर पर अभी स्पष्ट हो गया है कि जो राजस्व का जो घाटा हुआ है उसका सरकार पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है, और उसी को देखते हुए आज ये फैसले लिए गए हैं। जी जी पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।